भाई रात के घमासान सन्नाटे में बिना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ लाए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Shah. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new videos. तो रात को एक बहुत मजेदार सी खबर आई, mutants, यानी के Wolverine और Deadpool MCU में आने वाला है। Deadpool का हमें काफी देर से पता था कि MCU में आने वाला है, Deadpool 3 MCU में stand करेगी। लेकिन रात को Ryan Reynolds ने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो डाली जिसमें उसने बताया कि Wolverine भी आ रहा है MCU में। इसके ऊपर मैंने एक रिएक्शन वीडियो बना दी है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आज हम बात करते हैं थोड़ी सी X-Men और फॉक्स मार्वल यूनिवर्स के ऊपर। हमें ऑलरेडी पता है कि सोनी मार्वल यूनिवर्स कैनन हो चुका हुआ है एमसीयू में। स्पाइडरमैन की जो बाकी फिल्में हैं वो ऑल्टरनेट रियलिटी में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैनन हो चुकी हुई हैं। अब देखना ये कि फॉक्स का मार्वल यूनिवर्स कैसे कैनन होता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अच्छा, अब फॉक्स के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले हम थोड़ी सी गंदी चीजों पर बात करके डिस्कस करके साइड पे करते हैं, और वो गंदी चीज है फॉक्स की फैंटास्टिक फोर। फॉक्स ने टोटल 3 फैंटास्टिक फोर मूवीज निकाली, जिसमें से 2 एक कॉन्टिन्यूटी के पार्ट है और एक लेदर कॉन्टिन्यूटी है। अब मेरे हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इन दोनों एंटिटीज को शेल करने वाला है, क्योंकि हमें एक रीबूट मिलने वाला है फैंटास्टिक फोर का, जो कि एमसीयू में स्टैंड करेंगे। ये तो हमने फारिग कर दी बात। अब आते हैं एक्समैन के ऊपर। थोड़ी सी हम केविन फाइगी के ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ा स्पाइडरमैन को भी इसमें कोपचे में ले लेंगे, और डेडपूल तो आएगा ही आएगा, तो बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो पे जुड़े रहे और एंड तक देखिएगा। थोड़ा सा मैं भी अपना मूवी का ज्ञान पेल दूं आप लोगों के साथ। सीन शुरू होता है 1998 में, जब केविन फाइगी जो कि अभी फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को मैनेज करते हैं, पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डायरेक्टर हैं, वो उस टाइम में कास्टिंग डायरेक्टर थे फॉक्स के। उन्होंने कास्ट किया था ह्यूज जैकमैन को एज वुल्वरीन। इसमें वैसे एक बड़ी अच्छी बात भी है कि केविन फाइगी की पूरी जर्नी है कि भाई उसने वुल्वरीन को कास्ट करवाया था 1997 के करीब, और अब वो वापस एमसीयू में भी आ रहा है वो वुल्वरीन। तो स्टोरी वहां से शुरू होती है कि वुल्वरीन को कास्ट कराया, पूरी मूवी बनी, और ह्यूज जैकमैन को केविन फाइगी ने चुपके से वुल्वरीन के कॉमिक बुक्स भी देता होता था पढ़ने के लिए, ये हुआ। उसके बाद 2000 में एक्समैन का पार्ट वन आया, जिसने दुनिया का कॉमिक बुक मूवीज के लिए थोड़ा सा नजरिया बदल दिया। आई नो इससे पहले ब्लेड ने काफी मदद की थी, लेकिन इसने और ज्यादा मदद की। फिर उसके बाद अगले साल बनी थी टोबी मैग्वायर वाली स्पाइडरमैन। तो केविन फाइगी चाह रहे थे जो फॉक्स का वुल्वरीन है वो स्पाइडरमैन के साथ कैमियो करे, और ये कैमियो काफी हद तक पॉसिबल भी हो चुका था। लेकिन एंड मोमेंट पे क्या हुआ कि उन्हें वुल्वरीन की जैकेट नहीं मिल रही थी, जो उसकी क्लासिक जैकेट थी, क्योंकि वो आई गेस चोरी हो चुकी थी, उस वजह से वो कैमियो फेल हो गया। नहीं तो हमें स्पाइडरमैन और वुल्वरीन का कैमियो 2002 में आने वाली स्पाइडरमैन में दिख जाना था। खैर उस टाइम में शेल हो गया, फिर उसके बाद थोड़े से स्टूडियोज वाले थोड़े से अपने अपने रास्तों पे भी चले गए। एक दो कैमियोज और करने की बात हुई थी, हम उस पे भी जाएंगे। फिर उसके बाद 2003 में एक्समैन 2, और उसको फॉलो अप किया 2006 में आई एक्समैन 3 द लास्ट स्टैंड ने। इससे एक्समैन के 3 पार्ट्स आए और वो चले गए। और इसी टाइम पे करीब कहीं ना केविन फाइगी ने मार्वल वालों के पास जाके उनको पिच किया आइडिया के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं और ये सब करते हैं। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसे बनता? उस टाइम तक स्पाइडरमैन पड़ा था सोनी वालों के पास, फॉक्स वालों के पास थे एक्समैन, डेडपूल, डेयर डेविल और ये सब करेक्टर पड़े थे। इवन तो आयरन मैन भी मेरे ख्याल से फॉक्स वालों के पास ही था उस टाइम में। फिर उसके बाद हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन राइट पड़े थे यूनिवर्सल वालों के पास, और वो अभी तक उन्हीं के पास है। मेरे ख्याल से 2025 में वापस आ जाएंगे मार्वल में। तो केविन फाइगी ने जब ये पिच किया तो उन लोगों ने ना कुछ करपूर के ना आयरन मैन 1 की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी अपने दम पे, और जो हल्क की प्रोडक्शन थी वो स्टार्ट कर दी गई यूनिवर्सल के बैनर के अंदर, इनक्रेडिबल हल्क। और इससे स्टार्ट हुआ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। हम इसमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें फॉक्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करने वाले हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट होगा 2008 में आयरन मैन के साथ, और उसके अगले साल हमें देखने को मिली एक्समैन द ओरिजिन ऑफ वुल्वरीन, जिसमें हमें पहली दफा रायन रेनल्ड एज डेडपूल देखने को मिले। और ये मूवी के लिए लोगों का मिक्स रिव्यू था, मुझे ठीक भी लगी, कुछ फ्लॉज थे उसमें, लेकिन उस टाइम में क्योंकि नॉलेज भी इतना नहीं था तो उस टाइम के हिसाब से मूवी अच्छी लगी। और वुल्वरीन हमको वापस देखने को मिल रहा था ह्यूज जैकमैन, तो उससे बड़ी क्या ही बात थी। और 2011 में इन्होंने एक्समैन को किया रीबूट एक्समैन फर्स्ट क्लास के साथ। इसमें इन्होंने प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो की स्टोरी दिखानी स्टार्ट किया हमें स्टार्ट से, तो बेसिकली ये प्रीक्वल रीबूट था। और 2011 में ही आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में केविन फाइगी का दिल था। एक सीन था शायद आप लोगों को याद हो, जिसमें कैप्टन अमेरिका बकी को छुड़वाने के लिए हाइड्रा जहां टेस्ट कर रहे हैं वहां जाता है। तो केविन फाइगी क्योंकि उस टाइम मार्वल के हेड थे, तो वो उस टाइम चाह रहे थे कि कुछ ले दे के ना एक ऐसा सीन बने जिसमें दिखाया जाए कि वुल्वरीन पे भी वहीं पे
एक्सपेरिमेंट हो रहा था और वुल्वरीन को वहां से छुड़ाया गया। अगर उस टाइम में ये कैमियो हो जाता तो इससे ये होता कि फॉक्स का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दोनों एक ही अर्थ पे होते, लेकिन उस टाइम में ये नहीं पॉसिबल हो पाया क्योंकि उस टाइम में स्टूडियोज में क्लैशेस थे। उसके बाद 2013 में आया वुल्वरीन का पार्ट 2 एक्समैन दी वुल्वरीन, वो भी थोड़ा मिक्स रिव्यू था, मुझे उसमें भी अच्छी लग गई थी, बस ठीक थी मूवी। फिर 2014 में मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है जो थी एक्समैन दी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। इसमें क्या किया गया कि दोनों टाइमलाइन की स्टोरीज को मिक्स किया गया, वुल्वरीन को टाइम ट्रैवल करवाया गया, दोनों कास्ट जो कि हमें एक्समैन में देखने को मिली थी और हमें देखने को मिली थी एक्समैन द फर्स्ट क्लास में, उन दोनों को मिक्स किया गया, इसलिए मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है। मुझे याद है उसी दिन उसी हफ्ते उसी महीने थिएटर में मैं गया था देखने, तो एक स्क्रीन पे कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर लगी हुई थी, एक पे अमेजिंग स्पाइडरमैन लगी हुई थी और एक पे लगी हुई थी डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। वो मेरे लिए ऐसा था कि आई एम लिविंग माय ड्रीम। फिर 2016 में डेडपूल की ओरिजिनल स्टोरी दिखाई गई थी डेडपूल, इसमें डेडपूल को भी रीबूट किया गया टोटली, क्योंकि फॉक्स वालों को नहीं समझ लग रही थी करना क्या, जैसे सोनी वालों को समझ नहीं लग रही थी। और 2016 में ही आई एक्समैन अपोकैलिप्स, जिसके भी ठंडे रिव्यूज थे, मतलब मिक्स ही थी, फॉक्स की फिल्में बस पोसो ही होती थी। और 2017 में वुल्वरीन को फॉलो अप किया वुल्वरीन के पार्ट 3 लोगन से, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम ह्यूज जैकमैन को देखा, क्योंकि इसमें ह्यूज जैकमैन और पैट्रिक स्टूअर्ट ने अपनी ढालें ढाल दी थी, उन्होंने बोला भाई आज के बाद हम ये अपने कैरेक्टर नहीं करेंगे। और इस मूवी का रिकॉर्ड बना था कि पहली दफा 17 साल तक किसी बंदे ने अपने कैरेक्टर को कंटिन्यूसली किया है, इन दोनों ने रिकॉर्ड बनाया था ये। और फिर उसके अगले साल 2018 में डेडपूल का सीक्वल आया, इसमें हमें केबल देखने को मिला, उसमें टाइम ट्रैवल था और बहुत जबरदस्त अच्छी डेडपूल की मूवीज अच्छी लगती थी मुझे फॉक्स सिनेमैटिक यूनिवर्स में। उसके बाद फॉक्स वालों ने दो और थोड़ी सी घटिया फिल्में निकाली, एक्समैन दी डार्क फीनिक्स 300 बार डिले होने वाली, न्यू म्यूटेंट आई 2020 में, तब तक डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया था। तो क्या हुआ जी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास सारे वो राइट वापस आ गए इन कैरेक्टर्स के जो फॉक्स यूनिवर्स में पड़े थे। तो जब वो कैरेक्टर्स के राइट वापस आए तो हमें बहुत जगह पे हमें म्यूटेंट्स और ये कैरेक्टर्स देखना स्टार्ट हो गए थे। स्टिल एट दैट टाइम हमें अभी तक लिजिट म्यूटेंट्स नहीं देखने को मिले एमसीयू में। और डेडपूल की जब दो फिल्में भी आई तो रायन रेनल्ड कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा था कि हमें वुल्वरीन यानी के ह्यूज जैकमैन देखने को मिल जाए। ह्यूज जैकमैन हमें देखने को मिल गए थे वैसे 2018 की डेडपूल में, कैसे एक ओल्ड फुटेज को रीयूज किया गया था टाइम ट्रेवल का थोड़ा सा सेटअप देके। और हमें इस साल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पैट्रिक स्टूअर्ट देखने को मिले एज प्रोफेसर एक्स, लेकिन किसी और यूनिवर्स के, जिससे पैट्रिक स्टूअर्ट ने फिर से रिकॉर्ड बना दिया 22 साल एक कैरेक्टर को कंटिन्यूसली करने का। और अब जब ये डेडपूल 3 2024 में आएगी तो 24 साल का रिकॉर्ड आ जाएगा ह्यूज जैकमैन के पास एक कैरेक्टर को कंटिन्यूसली करने का। देखने को तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वुल्वरीन को, क्योंकि हालांकि फॉक्स यूनिवर्स स्टोरी लाइन बहुत मिक्स एंड मैच थी, कॉन्टिन्यूटी चल रही थी इनकी, लेकिन बहुत रिच कैरेक्टर्स हैं और बहुत मजा दिया है इन्होंने, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है इन सब कैरेक्टर्स को देखना, मेरा नॉस्टैल्जिया है भाई ये कैरेक्टर्स, जैसे कि आप लोगों को जैसे कि थिएटर्स में 3 स्पाइडरमैन देख के नॉस्टैल्जिया आया था ना, 2024 में जब मैं डेडपूल के साथ वुल्वरीन को देखूंगा तो बहुत टाइम वाला नॉस्टैल्जिया आने वाला है, और भाई मैं तो गला फाड़ के ना अपना उस दिन चीख चीख के। ये थी मेरी वीडियो, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मार्वल के फॉक्स यूनिवर्स का। अब देखना ये कि केविन फाइगी कैसे एक्समैन को लाते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, ना तो दिखाया जाए कि फॉक्स यूनिवर्स के जो कैरेक्टर्स थे वो कंटिन्यूसली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ही थे, ऐसे इटर्नल्स पड़े थे लेकिन छुप के रह रहे थे, इस तरह कुछ दिखाया जा सकता है कि ये लोग थे, ये जो मूवीज हुई है ये सब हुई है लेकिन पैट्रिक स्टूअर्ट ने कुछ दिमाग के साथ गेमें खेल के ना इनकी मेमोरीज खत्म कर दी, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोई मेमोरीज खत्म कर दी क्वेश्चन से या कुछ मैजिक से, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर दूसरा हमारे पास मल्टीवर्स वाला ऑप्शन है कि भाई ये दूसरी रियलिटी से इधर आ गए हैं। देखना ये कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन पिक किया जाता है, या केविन फाइगी और उनकी टीम दिमाग लगा कोई तीसरा ही ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ये जानने के लिए हमें करना पड़ेगा डेडपूल 3 का वेट। मेरे से तो वेट नहीं हो रहा भाई, मैं तो चाह रहा हूं अभी रिलीज हो जाए, मैं अभी देख लूं। तो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, ये था मेरा थोड़ा सा ज्ञान ऑन मार्वल फॉक्स यूनिवर्स। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बी अ पार्ट ऑफ द व्यूअर्स। जैसे नोट प्ले बटन लगाना है कि नहीं लगाना तो सब्सक्राइब करके जाओ। आई नेवर लेट यू डिस्ट्रॉय माय वर्ल्ड, बाय, टेक केयर, पीस।